भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में भाजपा पार्टी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थनंद, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश में मानसून से पैदा हुए आपदा को लेकर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का पक्ष विधायक दल के समक्ष रखा। इस बारिश में हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है और हर परिवार प्रभावित हुआ है, जिसमें लोगों की निजी संपत्ति भी काफी नष्ट हुई है। सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की विस्तृत जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भाजपा विधायक दल ने इस आपदा की घड़ी में जो बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश की है उसका धन्यवाद किया। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग सभी विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र का यहाँ सारा पक्ष रखा है कि इस बारी इस बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जान माल का भी नुकसान हुआ है और स्पेशली जो हर परिवार प्रभावित हुआ है इस बरसात में, जिसमें उनकी पर्सनल संपत्ति भी काफ़ी नष्ट हुई है और सरकारी संपत्ति भी काफ़ी नष्ट हुई है इस बरसात में। ये सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी डिटेल सबने अपनी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इनके सामने रखी है और भारत सरकार में जो हमारे माननीय मंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए थे, उन्होंने 400 करोड़ के करीब करीब जो हिमाचल प्रदेश को दिया है और भारत सरकार का भी हम सब ने धन्यवाद किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है इसके लिए भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को समय समय पर सहायता कर रही है। आप सब जानते हैं कि सेशन अगस्त के महीने में आज तक होते हमेशा हुआ है, पर इस बारी जो सत्ता पक्ष में सरकार है वो इसको आगे खींच रही है, इसलिए कि वो ना हमारा विरोध सहन कर पा रही है ना जनता का विरोध सहन कर पा रही है। आज देखते होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सड़कें बंद है और आप बागवान, किसान और सभी लोग बहुत परेशान हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए सब लोगों को टैक्सियां करनी पड़ रही है, गरीब लोग जनता को ये बहुत ही प्रभावित हर क्षेत्र हुआ है और बसें सारी बंद है। इसमें इसलिए सरकार डर रही है कि विपक्ष विधानसभा के अंदर बहुत शोर करेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को सब जगह पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति बाढ़ के बाद अभी तक बहुत सारी सड़कें नहीं